भाजपा के दौर में कीमतें आसमानों को छू रही हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज महंगी हो चुकी है और भाजपा क्या कहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। क्यों लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? ताकि आपकी तहजीब को, आपकी शनाख्त को, आपकी हर चीज को खत्म करके रख दिया जाए। अगर आपकी कोई चीज जिंदा आपको रखती है तो आपकी तहजीब, आपकी शनाख्त, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 29 से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। पूछो ये छोटा रिचक से जो गारंटी कार्ड की बात करता है, बोलो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, बोलेगा इस पर नहीं बोलेंगे। बिल्किस पर बोलो तो बोलेगा नहीं बोलेंगे बिल्किस के ऊपर। हम भाजपा से पूछना चाह रहे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला रहे हैं तो डिस्टर्ब एरियाज एक्ट क्यों नहीं खत्म करते आप, जिसको आप लोग गुजराती गुजरात में अशांति एरिया कहते हैं ना, हाँ आसान धारा कहते हैं। आसान धारा हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए बोलो, अरे हाथ उठाकर बोलो। घर खरीदना है तुमको, अब पूछो छोटा रिचार्ज से भारत भाजपा से कांग्रेस से बोलेंगे ए, इसका बर मत बात कर, ना 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 भाजपा को हराना है, अरे ये छोड़ो ये छोड़ो, हम आएंगे तो करेंगे। अरे तुम आई नहीं रहे हो 27 साल से, हम आएंगे तो करेंगे। अरे ये दूल्हे की बारात आती नहीं, आ रहा है दूल्हा, कहाँ है दूल्हा? 27 साल से भाजपा जीत रही है और आपको डरा डरा कर आपका वोट ले रहे हैं। ये डिस्टर्ब एरियाज एक्ट खत्म होना चाहिए, मगर भाजपा बोल यूनिफॉर्म सिविल कोड। कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड डिस्टर्ब एरियाज एक्ट रहेगा एक साथ? गुजरात में अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, जो भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया, बगैर सरकार के परमिशन के नहीं लिया जा सकता,